नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं धनु राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। धनु राशि साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 जनवरी 2020 का लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी नौकरी, शिक्षा, व्यापार, यात्रा, घर परिवार, प्रेम संबंध, विवाह संबंध, मित्रता की और बहुत कुछ शुभ अशुभ जानेंगे और यह सब कुछ होगा आपके लिए, ताकि आप इस वक्त को समझ सके, जान सके और अच्छी तरीके से इस वक्त के साथ इंसाफ कर सके। और वीडियो में हम बताएंगे आपका भाग्य प्रतिशत, शुभ अंक, शुभ रंग और कुछ उपाय जो कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। तो बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं 2, 3 जनवरी और 4 जनवरी सुबह के 10 बजे तक के समय की। चंद्रमा मीन राशि में होंगे, चतुर्थ भाव में। यह वक्त या तारीख आपके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। छोटी मोटी चिंताओं के अलावा आपको सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, अच्छा वक्त बिताने को मिलेगा। आपके घर में सुख होगा, सुख सुविधाएं होंगी, आपकी शानदार जिंदगी होगी। परिवार और मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना हो सकता है। खरीदारी कर सकते हैं, छोटी छोटी मोटी प्लानिंग्स होंगी आपकी, कहीं जाने की, कहीं आने की, और बढ़िया सब तरीके से वक्त बिताएंगे। आप अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे, घर की जरूरतों के लिए कुछ सामान ले सकते हैं, घर की सौंदर्यीकरण के लिए आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। आप अपने घर की जरूरतों के हिसाब से वाहन इत्यादि परचेज करने का मन बना सकते हैं और इसमें सफलता भी मिलेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आप अपनी जमा पूंजी को निवेश कर और अधिक बढ़ाएंगे और भविष्य में इसका लाभ लेंगे। आपके घर में कुछ फंक्शन इत्यादि या मांगलिक कार्यों पर चर्चा हो सकती है। परिवार में उत्सव का, खुशियों का माहौल होगा। आपके लिए कुछ बढ़िया खुशखबरियां भी आएंगी। आपके घर रिश्तेदार आ सकते हैं, अविवाहित हैं तो रिश्ते भी आ सकते हैं। नौकरी व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर जल्द ही आपको मिलने वाली है। बात करते हैं 4 तारीख सुबह 10 बजे के बाद का समय। 5 और 6 तारीख की चंद्रमा मेष राशि में होंगे, पंचम भाव में। यह वक्त बढ़िया होगा आपके लिए, आपकी राशि के लिए। यह वक्त सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा। विद्या ग्रहण करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए समय बढ़िया है। नौकरी करने वालों के लिए यह समय बढ़िया है। मन लगाकर काम करेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अच्छी प्लानिंग्स करेंगे। कुल मिलाकर दिमागी काम बहुत तेजी पर चलेगा। दिमाग में नई नई बढ़िया बढ़िया योजनाएं बनती रहेंगी। धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक सभी काम करिए, आपकी सेहत शानदार होगी। व्यापारी हो या नौकरी करने वाले हो, आपको सफलता मिलने वाली है। बढ़िया लाभ का समय है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको और अच्छी सफलता मिलेगी। खेल कूद के माध्यम से आप अपना और अपने बड़ों का नाम रोशन करेंगे। यह तरीके आपके लिए शानदार हैं। आपको किसी भी प्रकार से निराशा नहीं होगी। हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेहनत करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो सफलता आपकी होगी। जो भी मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा। आप में से जो भी लोग प्रेम संबंधों में है, शानदार समय होगा। जो लोग प्रेम संबंधों में नहीं है, प्रयास कर रहे हैं किसी से मिलने की, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए, उनके लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध निभाने के लिए भी बढ़िया है, प्रेम संबंध बनाने के लिए भी बढ़िया है। और वैवाहिक जीवन में जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, ये रिश्ता मित्रता जैसा रिश्ता इन तारीखों में रहेगा। जैसे लगेगा कि शादी नहीं, हम लोग मित्र हैं। तो मित्र पहले हैं, शादी बाद में है। तो आप लोग एक मित्र की तरीके से, दोस्त की तरीके से वक्त को एंजॉय करने वाले होंगे, जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी। नौकरी व्यापार हर जगह पे सफलता मिलने के चांस है। आपका वैवाहिक जीवन सब कुछ शानदार होगा, घर परिवार शानदार होगा, बच्चे बढ़िया काम करने वाले होंगे, आज्ञाकारी होंगे, प्रेम संबंध बढ़िया, वैवाहिक जीवन बढ़िया, खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से लाभ की सूचनाएं आपको मिलती चली जाएंगी। तो खुश रहिए, आनंद रहिए, इस वक्त का खूब सदुपयोग करिए। बात करते हैं आगे की तारीखों की। बात करते हैं 7 और 8 तारीख की। चंद्रमा 6ठे भाव में होंगे, वृषभ राशि में। यह वक्त आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। नौकरी व्यापार में दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन कोई गलती भी मत करिए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपकी ही गलती से आएगी, तो सावधान रहिएगा, संभल कर रहिएगा। छात्र छात्राओं को सफलता मिलने के योग हैं। आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। घर से बाहर जाते वक्त, निकलते वक्त थोड़ा दाएं बाएं देख लें, कोई वाहन से टक्कर ना हो जाए या कोई आवारा पशु आपको ना मार दे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सड़क क्रॉस करते हुए, घर से बाहर निकलते समय दाएं बाएं देख के निकलेंगे तो बढ़िया रहेगा। या तो आप किसी उत्सव में जा सकते हैं या किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं। ये प्रोग्राम छोटा और बड़ा किसी भी लेवल का हो सकता है, या फिर आपके ही घर में कोई छोटी सी पार्टी वाली वगैरह गेट टुगेदर हो जाए, चाहे घर पे हो या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में हो। छोटी मोटी उत्सव को एंजॉय करने का
मौका आपको मिल सकता है इन तारीखों में। जो भी लोग खेल कूद से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर फील्ड पर उनको सफलता मिलने वाली है। बस ध्यान ये रखिएगा कि अपने क्रोध पर काबू रखें, किसी की बातों में आकर अपने पैसे को इधर उधर खर्च ना करें। कई बार क्या होता है कि हम सही चल रहे होते हैं और किसी की बातों में आकर हमें गुस्सा आ जाता है या हम शोबाजी करने लगते हैं। शोबाजी में आकर अपने पैसे का नुकसान मत करिएगा। कुछ लोग आपको ऐसे बहला फुसला कर सातवें आसमान में चढ़ाकर तमाशा देख सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। लोगों की बातों में मत आइए, वो करिए जो आपको सही लगता है, आपके परिवार को सही लगता है। सब कुछ अपनी बुद्धि से करिएगा, मेहनत के परिणाम बढ़िया मिलेंगे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई झगड़े की नौबतें आएंगे लेकिन आपको उनसे बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। घर हो, परिवार हो, कहीं फंक्शन हो या फिर नौकरी वाला क्षेत्र हो या व्यापार करते हो वहां पर भी, आपके शत्रु थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करेंगे, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 64%, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा चमकीला चमकदार पीला। और इस पूरे सप्ताह आपको करना क्या है, या तो चंदन या फिर हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा, आप और ज्यादा अच्छी सफलताएं पाएंगे इस सप्ताह में। इसके साथ साथ श्री हरिनारायण विष्णु की उपासना करते रहिएगा और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, माँ सरस्वती का ध्यान करते रहिएगा। साल 2020 में माँ सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी, श्री हरिनारायण विष्णु की कृपा से धन दौलत और सब कुछ आपके पास बरसेगा और हनुमान जी की कृपा से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। भगवान का नाम 2019 में भी आपने लिया, 2020 में भी लेते रहिएगा और 2020 में अब आपको वक्त है परिणाम मिलने का, यानी कि अब आपने जो बीज बोया था वो बड़ा हो चुका है, अब थोड़े ही दिनों में आपको ये वृक्ष फल भी देगा और जिसका आनंद लेकर आप आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। और आप सब लोग चैनल से जुड़े हुए हैं इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार।